हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक गाड़ी है टाटा की एक्सा। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है फ्रेंड्स, ये गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में और खड़े खड़े में गाड़ी बंद हो गई। 3-4 दिन के लिए जगह पर रुकी थी और गाड़ी बंद हो गया। और बंद होने के बाद गाड़ी चालू नहीं हो रहा था, लैपटॉप लगाना पड़ा, वो सब एरर वेरर बहुत आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उसके बाद भी इसको टोचन करके शोरूम पे लाया। और टोचन करके शोरूम पे लाने के बाद हमको लगा कोई तो वायरिंग का प्रॉब्लम रहेगा। और जब मैं वायरिंग चेक किया तो इसका वायरिंग चूहे ने पूरा कट किया है फ्रेंड्स। और कहाँ पे कट किया, कितना कट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता था, लोगों के लिए भी ये नॉलेज मिले, आप लोग भी देखें और आपको भी प्रॉब्लम रहे तो आप समझें। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है हमारा टाटा की एक्सा। फ्रेंड्स, ये गाड़ी का हमने बहुत कुछ चेक किया। ये देखिए, इसका एयर फिल्टर का पाइप निकल के, इधर से हमने स्प्रे भी मार के देखा चालू होता है कि नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत कुछ देखा फ्रेंड्स मैंने। इसका फ्यूज चेक किए, इसका ये भी मेन फ्यूज़ भी चेक किया। और ये फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था फ्रेंड्स, मैंने बहुत चेक किया। बोला इसका टाइमिंग का कुछ तो प्रॉब्लम रहेंगे, मैकेनिक लोगों ने इसका टाइमिंग भी चेक किया। इसके अंदर जो टाइमिंग आता है, टाइमिंग भी चेक किए, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ मिल रहा नहीं था, हम लोगों ने देखा कि क्या प्रॉब्लम होगा। जब हमने इसका बहुत कुछ खोला, ठीक है, मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ इसका अंदर। देखिए इसके अंदर क्या क्या लाइट आ रहा था, मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये देखिए इसका चेक इंजन का लाइट कंटिन्यू लग रहा है, ये देखिए। और ये भी बता रहे सर्विस ओवरड्यू। ये देखिए, ये सब एरर यहाँ पे बता रहे फ्रेंड्स, ड्राइवर इलेक्ट्रिसिटी सब फॉल्ट बता रहा है और गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। तो इसको स्टार्टर मार के देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए चालू नहीं हो रहा है इसका। ये देखिए यहाँ पे चेक इंजन लग रहा है, ये वाला, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए वापस मार के देखता हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा फ्रेंड्स। हमने बहुत चेक किया और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद मैंने जब इसके गाड़ी के नीचे सोया, सोने के बाद फ्रेंड मेरे को एक प्रॉब्लम मिला, जो एक इसका वायरिंग कटी। देखिए हमने ये टायर खोला है, इधर जैक लगाया, टायर खोल के फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेन सॉकेट है ऊपर का। इसमें कितने, 3, 3, 3, 9, 10, 11 वायर है फ्रेंड्स इसमें। ये देखिए ये मेन सॉकेट है और ये वायर है फ्रेंड्स इंजन, ये सॉकेट इसका कट है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको जोड़ रहे, ये वायर चुहे ने कट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कट किया है, ये देख सकते हैं। एक वायर ये है ABS का फ्रेंड्स, मैं ये सब जोड़ के लेता हूँ क्योंकि कुछ नहीं करना है, कलर टू कलर मैच करना है। ये देखिए ऑरेंज में रेड है और ऑरेंज में येलो है, सॉरी वाइट है। तो ये कलर टू कलर सब वायर मैच करना है, जोड़ना है। फिर इसके बाद मैं आपको आगे का वीडियो बनाऊँगा। ये फिटिंग करके लेता हूँ, मैं अच्छी अच्छी कटे मार के लेता हूँ। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, इसका वायरिंग जोड़ने का टाइम हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इसका एक भी वायर है ना, एक भी वायर, जैसे कि ये दोनों येलो है लेकिन इसके अंदर भी एक एक कलर है, जैसे कि येलो ग्रीन, येलो ब्लैक। तो ये जो कलर कोडिंग है करेक्ट रहना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कोई सिस्टम चलेगा ही नहीं। ये बात का आप जानकारी रखिए, अगर आप वायरमैन हैं, टेक्नीशियन हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वायरिंग जोड़ते वक्त लाइट लगाकर अच्छी तरह से कलर कोडिंग के साथ जोड़ना है। दोस्तों, हमने ये वायरिंग पूरा अच्छी कटे मार के लिया है, लेकिन अभी पूरा जैसा ये है
ये सब मार के लेने का, सब एक करके देखिए, ये सब हमने कलर टू कलर बरोबर मैच करके लिया है, सिंगल सिंगल जोड़ के लिया। अभी इन सब को पकड़ के एक साथ मारना, ऐसा ये सब एक साथ मारना है और ये पूरा इधर तक मार देंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स गाड़ी चालू करके देखते हम लोग। फ्रेंड्स ये देखो, ये पूरा चिकटे मार दिया है, ये ऊपर का एक लाइन मैंने मार दिया। अभी इसको भी अंदर रखने का, ऐसा इसको अंदर डालने का, ये देखिए ऐसा इसको अंदर डाल कर इसको भी ऊपर से चिकटे मारेंगे पूरी तरह से। देखिए इसको भी चिकटे मारना पड़ेगा, ऐसे दबा के पूरा मार देंगे। दोस्तों ये पूरा तरह से देखिए, ये भी जोड़ दिया ऊपर से चिकटे मार दिया। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को, आप लोग अगर वायरमैन है तो ठीक है, आप लोग गाड़ी के कस्टमर है, मालिक है, अब गाड़ी आपकी है तो फ्रेंड्स इतना पूरा पैक करने से पहला ये सॉकेट लगा कर आपको गाड़ी में चेक करना है, चेक इंजन जा रहा है क्या, गाड़ी चालू हो रहा है क्या। क्योंकि मेरा हमारा तो ये रोज का काम है, इसीलिए मैंने पहले इसको पूरा फिक्स कर दिया। नहीं तो क्या, वायरिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उल्टा बैठ गया, रॉन्ग बैठ गया, तो आपको ये सब पूरा छुट्टा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, एक 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 लगा के आपको फिर गाड़ी चालू करके चेक करके, चेक इंजन लैपटॉप लगा के उसके बाद फिर आपको चेक करना है, आपको फिक्स करना है सब, ठीक है। फ्रेंड्स ये सॉकेट हम ऊपर लगा देंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा, बैठे के बाजू में यहाँ पर अंदर बहुत अंदर है। ये देखिए यहाँ पर ये सॉकेट हमको वो सॉकेट से मिलाना है जो हमने अभी नीचे से जोड़ा है। ये देखिए एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। और इसको जोड़ देंगे। फ्रेंड्स हमने देखिए वो सॉकेट लगा दिया, ये वाला सॉकेट हमने लगा दिया फ्रेंड्स, जोड़ दिया उसको। फ्रेंड्स हमने लगा दिया सॉकेट, लगा दिया उसका, अभी इसको चालू करके देखते फ्रेंड्स। इसको स्टार्टर मार के देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे चेक इंजन आ रहा था, स्टार्टर भी नहीं बैठ रहा था, चेक इंजन गया, रेस भी ओके हो रहा है, बाकी कोई लाइट भी नहीं लग रहा है। ये इसका स्पैनर जो है सर्विस ड्यू है, इसका डेट सर्विसिंग का आया है फ्रेंड, चालू हो रहा है और एक बार बंद करके देखते। ये देखिए ओके हो रहा है, चालू हो रहा है फ्रेंड्स। इंजन दिखाता हूँ आपको ऑन करके, ये देखिए इंजन का कुछ वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो, इसका वायरिंग का कितना बड़ा इश्यू था, उतना बड़ा सॉकेट खर्च हुआ था, अपने उसको पूरा जोड़ दिया, सब वायर जिसमें 10-15 वायर थे वो सब को वायरिंग को फ्रेंड्स आपने जोड़ दिया और गाड़ी चालू भी हो गया, गाड़ी ओके चल रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग का भी गाड़ी का पार्किंग का इशू रहेगा, क्योंकि गलत जगह पे या फिर कहीं बाहर गए, जैसे आउटसाइड गए तो कहीं भी अपन गाड़ी पार्क कर देते तो चूहा उधर कुछ ना कुछ अंदर घुसकर कट कर देता है, वायरिंग ख़राब कर देता है। तो फ्रेंड्स
तो आप लोग भी ध्यान रखिए, कहीं भी पार्किंग करने से पहला अपना सुरक्षा देखिए कि सही जगह है, कचरा है बाजू में, उधर पानी है, ऐसा जंगल है, मट्टी है, जहाँ पे ऐसा छुआ हो सकता है, ऐसे जगह पे पार्किंग मत कीजिए ज़्यादा देर के, सही जगह पे पार्किंग कीजिए। क्योंकि कोई कोई वायरिंग रिपेयर होता है, कोई कोई वायरिंग रिपेयर नहीं होता, उसको डायरेक्ट असेंबली नया डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको देखने के बाद यूज़फुल लगा या आप इससे कुछ सीखे, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो, कम्युनिटी टैब में मेरे फोटोज है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो तो इधर ख़त्म हो गया, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।